अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर इमदाद हुसैन रावलपिंडी से, और आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक की रेस्क्यू मेडिसिन, होम्योपैथिक की 1122 मेडिसिन। कोई भी बीमारी या कोई भी ऐसी अलामत सिम्टम्स जो अचानक और शिद्दत के साथ आए, वो उस मेडिसिन के दायरा कार में होती है। अगर मरीज़ अपने अंदर खौफ महसूस करे, और खौफ भी किस चीज़ का, शिद्दत के साथ बीमारी और फिर मौत का खौफ, इसमें वो मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा कारामद होती है। उसके इस दवाई के मरीज़ को सड़क क्रॉस करने का बहुत ज़्यादा खौफ होता है, मौत का बहुत ज़्यादा खौफ होता है, मौत का इतना ज़्यादा खौफ कि मरीज़ सम टाइम ये कहना शुरू कर देता है कि मेरे घर वालों को बुला दो, मैं एक नसीहत करना चाहता हूँ, मेरे बच्चों को बुला दो, मैं एक नसीहत करना चाहता हूँ कि कल 10 बजे मैंने मर जाना, ये मामलात कर लें, इसका मैंने कर्ज़ा देना, इसका मैंने ये करना, इसके साथ मेरे ये मामलात थे, इसके साथ मेरे ये मामलात थे। और इस दवाई, इस मेडिसिन के अंदर हर वो बीमारी जो शिद्दत के साथ आए और अचानक आए, यानी सडनली डिजीज, कोई भी सडनली बीमारी और शिद्दत के साथ, और उसके अंदर खौफ पाया जाए, बिलखसूस मौत का खौफ पाया जाए, या कोई भी ऐसा खौफ जो जिसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो, और मुकर्रा वक्त का इंतखाब करे मरीज, वो उस मेडिसिन के दायरा कार में आती हैं। अचानक सडनली हार्ट फेल हो गया, अचानक सर का दर्द शिद्दत इख्तियार कर गया, अचानक नज़ला ज़ुकाम बुखार हो गया, तो वो मेडिसिन अगर आपके घर में मौजूद है, आपके पास मौजूद है, या आपके पास डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो वो मेडिसिन अगर आपके पास मौजूद है, तो इंशाल्लाह ताला वो मेडिसिन आपको ज़िंदगी वापस दे सकती है। इवन के अचानक अगर हार्ट का भी इशू बन जाता है, अचानक दिल का दौरा भी पड़ जाता है, या फालज का अटैक होता है, तो उसका जो दायरा कार है 24 घंटे के अंदर अंदर कोई भी ऐसी बीमारी जिसको आप समझते हैं, जो शिद्दत और अचानक के साथ हो, शिद्दत के साथ और फिर अचानक हो, तो उस मेडिसिन के दायरा कार में पाया जाता है। अमूमन बच्चों के अंदर पेशाब का बंद हो जाना, छोटे बच्चों के अंदर पेशाब यूरिन का बंद हो जाना, या छोटे बच्चों में अचानक शिद्दत के साथ खांसी बुखार का हो जाना, अज़ा का सुन हो जाना, इसके अलावा इसका जो मरीज़ है खुली हवा को की ख्वाहिश करता है कि दरवाज़े खुले हों, खिड़कियां खुली हों, और बिलखसूस वो लोग जो कहीं जा रहे हैं, कहीं आउटिंग पे जा रहे हैं, या किसी नए इलाके में जा रहे हैं, तो फिर उन लोगों की वो महबूब मेडिसिन है, उनको चाहिए कि वो अपने पास रखें, ताकि वहाँ किसी भी नए इलाके में जाते हुए अगर उनको कोई भी तकलीफ़ होती है, बीपी हाई शूट कर जाता है, सर दर्द शिद्दत इख्तियार कर जाता है, बुखार होता है, नज़ला ज़ुकाम खौफ और कोई भी बीमारी जो शिद्दत के साथ आए और उसी तरह शिद्दत के साथ वापस चले जाए, तो होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट नेपलस के दायरा कार के अंदर होती है। 200 ताकत को आप अपने घर में रखें, होम्योपैथिक 200 में, 200 ताकत में आप अपने घर में रखें, अपने सफ़र में रखें, अपने पास रखें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी, अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं मिलता, तो ये मेडिसिन आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा सकती है। इसके दायराकार मोटे ताज़े अफराद जो इस मेडिसिन के दायराकार के अंदर होते हैं, मौसीकी से इसको सख्त नफरत होती है, इस दवाई को, और ये आवाज़ सुनना पसंद नहीं करता, आवाज़ इसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, दांत का दर्द हो जाए, खांसी हो जाए, नज़ला हो जाए, खूनी पेचस हो जाए, और खौफ या सर्दी से अगर फीमेल के अंदर मेंसेस का बंद हो जाना हो जाए, अंजाइना अटैक हो जाए, या कोई ऐसे दर्द जो नाकाबले बर्दाश्त हो, उनके लिए भी होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट नेपलस का इस्तेमाल आपको एक नई ज़िंदगी, एक नई उमंग के साथ बहुत सारी बीमारियों से निजात दिला देगा। बिलखसूस कोई भी बीमारी जिसके अंदर खौफ का पाया जाना हो, जिसके अंदर डर का पाया जाना हो, वो होम्योपैथिक मेडिसिन एकोनाइट के दायरा कार में
पाई जाती है। बहुत शुक्रिया जी, आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में अर्जेंटम नेट की वीडियो में मैंने बयान किया था कि आपके लिए एक बड़ी अहम वीडियो लेकर आया हूँ, इसी तरह इंशाल्लाह तआला नेक्स्ट आने वाली वीडियो भी इससे भी बहुत अच्छी होगी। आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को के साथ वाबस्तगी रहें, हो सकता है कि इस बहाने आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।